हेलो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं लेकर आई हूँ आपको एक्सप्लोर करने के लिए वंडर्स पार्क, जहाँ हम देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें और देखेंगे कि पहले से और आज में क्या तब्दीली आई है, क्या क्या नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं फ़न करने के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। पहले जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें थी और अब भी आप देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ है, लोग देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। आज संडे था तो सोचा इसी जगह को एक्सप्लोर करती हूँ और आपके साथ में शेयर करती हूँ कि यहाँ पर पहले से अभी क्या क्या नया बना है और क्या क्या राइड्स आई हैं, क्या खाने पीने का सिस्टम है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 6:02 हो रहा है और संडे 10 सितंबर और आज हम आए हैं वंडर्स पार्क में। देखिए यहाँ मैं आपको वंडर्स पार्क का फ्रंट एरिया दिखा रही हूँ, गेट वाला जहाँ से लोग टिकट निकालते हैं। तो यहाँ पर मुझे ना कोई भी तब्दीली नहीं लगी, जैसा पहले था सेम एज इट इज़ अभी भी है और कुछ भी अलग नए अलग मतलब नया कुछ भी नहीं है। और लोग लाइन लगाए हुए हैं देखिए टिकट के लिए एज यूजल। यहाँ क्लियरली मेंशन था 25 रुपये बच्चों का, बड़ों का 35 रुपये, तो मैंने भी टिकट ले लिया है और टिकट लेकर अब हम जाएंगे अंदर। अगर खाने पीने का सामान आपके पास है तो आप अपने साथ में पता नहीं अंदर लेकर जा सकते कि नहीं, मैं गेट पर पूछूंगी। और अगर नहीं लेकर जा सकते तो आपको दिखा देती हूँ, यहाँ सामने सारे ठेले लगे हुए हैं वड़े पाव के और पानी वगैरह के। ये देखिए ये ठेला लगा हुआ, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 12 रुपये से स्टार्टिंग है, वड़ा पाव आपको 12 रुपये में मिल जाएगा और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर 10 रुपये 12 रुपये की रेंज में। पानी आपको MRP पे ही मिलेगा और यहाँ पर पार्किंग भी है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर से अगर आप आते हो तो ईज़िली आपको यहाँ पर पार्किंग करने मिल जाएगी, पार्क कर सकते हो आप लोग गाड़ी। और बच्चों के लिए यहाँ से आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हो खाने पीने की। और यहाँ पर रिक्शा भी, अगर आप घूम फिर कर आ रहे अंदर से आ रहे हो तो अपने अपने घर जाने के लिए आपको इजीली यहाँ पर रिक्शा भी मिल जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ अंदर। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये टिकट आगे गेट पर शो करना है, टिकट लेकर हम अंदर जाएंगे और वापसी पर वापस से इन्हें दिखाना पड़ता है, इसलिए टिकट को मेहरबानी करके फेंकिएगा मत, गार्ड्स को दिखाने के बाद सेफली से रख लीजिएगा। खाने का सामान नहीं लेके जा सकते? लेके जा सकते, खाने का सामान लेकर जा सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी है तो आप अंदर लेकर जा सकते हो, लेकिन मेहरबानी करके गंदगी मत कीजिएगा। जो भी रैपर या फिर कुछ भी रहेगा आप अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि अंदर डस्टबिन भी नहीं है तो आप फेंकिएगा मत इधर उधर। और खाने पीने के घर के बने हुए या फिर बाहर से आप लेकर अंदर जा सकते हो। तो मैं आपको अब दिखाना शुरू करती हूँ, देखिए चलो चलो। ये जो स्टैचू बने हुए हैं ना, तो इसके ऊपर चढ़ के फोटो सेशन नहीं कराना है, नीचे खड़े होकर आप फोटो करा सकते हो, नहीं तो जो गार्ड्स है वो चिल्लाने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। वैसे तो मुझे कुछ खास परिवर्तन नहीं लग रहा है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो चलिए दिखा देती हूँ आपको पास जाकर। ये देखिए ये पूरा मैप बना हुआ है, आप इसे देखकर और इंस्ट्रक्शन पढ़कर वंडर्स पार्क का घूम सकते हो पूरा। अभी तो ये मैप देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो राइट साइड में मैंने टर्न लिया तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड जैसा बना हुआ है जो कि पहले भी था और अभी भी है। तो इधर मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ खासा फ़र्क नहीं है, सेम एज इट इज़ ये भी है, तो कुछ अलग नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मशीन वगैरह लगी हुई है और पर्दे से ढका भी है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें जो अभी बन नहीं पाई है प्रॉपर तरीके से। तो ये देखिए आप देख सकते हो कर्टन से ढका हुआ है और ऊपर एक क्रेन भी लगी हुई है बनाने के लिए। तो ये जो एरिया है ये पोर्शन सेम वैसा ही है, रात में जब अंधेरा होगा तो लाइट चालू हो जाएगी तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और लोग यहाँ पर बैठे हैं, मज़ा ले रहे हैं। आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ पर ना मैंने एक बात नोट की कि कोई भी राइड्स ओपन नहीं है, पता नहीं क्यों। तो चलिए ये वाला पोर्शन दिखाती हूँ। यहाँ पर ना देखिए वाटर डांस होता है, उजाले में नहीं होगा, अंधेरे में होगा, 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। ऊपर जो स्टेडियम जैसा बना है ना वहाँ पर सीट बनी है, लोग बैठते हैं वहाँ पर, जमा होते हैं, वाटर डांस देखते हैं। यहाँ पर मुझे गार्ड दिख रहे हैं तो इनसे पूछती हूँ कि भाई राइड्स क्यों नहीं ओपन है।
दादा राइड्स बंद है क्या? क्यों बंद क्यों है? बारिश की वजह से, बारिश के बाद चालू होगा। और ये सब चालू होगा क्या? ये चालू है ना, 7:30 बजे चालू होगा सब। राइड्स बंद है, तो बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो राइड्स होती है, राइड्स ही बंद है। तो अगर आप लोग आने के लिए सोच रहे हो बच्चों के लिए खास तौर पर, तो बारिश के बाद ही आइएगा, क्योंकि बारिश की वजह से इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, इसलिए राइड्स बंद करके रखे, बाकी सब चीज़ चालू है। मैप में जैसा आपने देखा कि पानी का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एरिया दिखाया गया है, लेकिन काफ़ी जगह सूखी पड़ी है। ये आप लोग देख सकते हो, ये पूरा पानी का पोर्शन है, लेकिन यहाँ पर पानी का कुछ भी नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है, सब सूखा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर पानी ज़रा भी नहीं है। तो यहाँ से होते हुए हम जाएंगे ब्रिज से, देखिए ये ब्रिज के नीचे पूरा पानी होता है, मछली वगैरह उसके अंदर होती है, वो सब कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। सिर्फ पानी का दो ही जो सेक्शन है वो ओपन है, एक वो वाटर डांस वाला और जो मैंने हाथ में बॉल लिया हुआ था ना फाउंटेन छोटा सा, बस वही है जो पहले वाला है, वही है, कुछ भी अलग नहीं था उसमें। और ये आप ब्रिज के नीचे से पूरा एरिया देख सकते हो, पूरा सूखा है। आगे छोटा सा तालाब बोलो, पॉन्ड बोलो, जो भी बोलो, उसके अंदर देखिए ये 5-6 आपको डक दिखाई देगी, जिसको लोग देखने के लिए खड़े है। मतलब लिटरली कुछ भी अलग नहीं किया है इन्होंने, और मुझे लगता है और घटा दिया, जो पहले था उससे भी कम कर दिया है चीज़ें। और अभी तो काफ़ी जगह सूखी है, जो पानी वाला एरिया था वो तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है, कहीं कहीं तो पानी एकदम नहीं है। ये छोटा सा है देखिए, इसके अंदर ये 5-6 बत्तख है। लिटरली हम लोग आएंगे बत्तख देखने के लिए, डक देखने के लिए, तो आना बेकार हुआ एकदम। राइड्स भी सारी बंद है, और देख सकते हो पहले से और अभी में क्या बदलाव आया है, क्या इन्होंने अलग किया है। मुझे तो कुछ भी अलग नहीं लगा, बल्कि और बेकार कर दिया है। अगर आप आओगे तो मैं यही सजेशन करूँ कि अभी मत आइए, कम से कम 3-4 महीने एटलीस्ट रुक कर आइए। हो सकता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बन जाए, उसके बाद ये लोग पूरा प्रॉपर से अच्छे से स्टार्ट करें। और फिर भी लोग वीडियो देख देख कर आ रहे हैं, मैंने तो एकदम प्रॉपर सही वीडियो बनाई है। अगर आप इस स्टेज तक मेरी वीडियो को देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपको पता चलेगा कि वंडर्स पार्क ने कुछ भी अलग नहीं किया है, बल्कि और कम कर दिया है सामान चीज़ें, लोगों को फ़न करने की। जो भी बच्चे एक्टिविटी करते थे, बच्चे घूमते फिरते थे, राइड्स पर बैठते थे, वो सारी चीज़ें मतलब अभी बंद करके रखी हुई है। और लोगों की वीडियो मैंने देखा स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट हुआ था वंडर्स पार्क, तो उसमें दिखाया था कि मतलब सारी राइड्स ओपन है, ये है वो है ब्ला ब्ला, सब देख कर ही मैं भी आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको दिखाया सेप्टेम्बर 10 तारीख संडे वाला दिन, सोचा संडे वाला दिन है, बहुत ज़्यादा रश होगा, अच्छा लगेगा, सब बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा। क्राउड तो है पर राइड्स बंद है यार, जो बच्चे खेलते कूदते हैं उसी राइड्स के सहारे। टॉय ट्रेन यहाँ तक बंद है, टॉय ट्रेन भी ओपन नहीं है, तो लोग टॉय ट्रेन पर ही एटलीस्ट बैठ जाते हैं, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। तो सब बोर ही है, देखिए इधर उधर फिर रहे हैं खाली। अदन बोर हो रहा है, अदन क्या हुआ? बोर हो रहा है, सारी राइड बंद है, बहुत बोर हो रहे हो, राइड सारी बंद है। और ये देखिए ये जो प्लेइंग एरिया ना, यहाँ पर 10 साल के बच्चे से बड़े नहीं खेल सकते हैं, जो छोटे बच्चे बस वही खेल सकते हैं, झूले पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। गार्ड्स आजू बाजू फिरते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से सीटी मार के उतार देते हैं, एकदम बैठने नहीं देते। देखिए सब बंद है, और हम लोग संडे का सोच कर आए थे कि आज संडे होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम इन्जॉय करेंगे, सारी राइड्स पर बैठेंगे, और आप लोग के साथ मैं सारी बातों को शेयर करूँगी, सारी राइड्स का क्या कॉस्ट है वो भी हाँ शेयर करूँगी, बट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये रखिए सब बंद है। तो अगर आप अभी वंडर्स पार्क आने का सोच रहे हो तो मत आइएगा, क्योंकि अगर राइड्स का मज़ा लेना है तो मत आइएगा, क्योंकि सब बंद है बारिश की वजह से। ये बारिश जाएगी वैसे ही ये ओपन होगा। आगे भी वहाँ पर लेकर चलती हूँ, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। मैं आपको लेकर आ गई हूँ ये वाले ग्राउंड में, जहाँ पर वाटर डांस होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट आए थे, 6:30 बजे, मतलब टिकट विकट लेकर हम लोग को 6:30 हो गया था अंदर जाते हुए। फिर थोड़ी बहुत चीज़ों को मैंने आप लोग को दिखाया तो 7:30 बज गया है, और सब जमा हो रहे धीरे धीरे, देख सकते हो। मैंने आपसे थोड़ा उजाला था तो बताया था कि यहाँ पर वाटर डांस होगा, तो लोग यहाँ पर बैठने के लिए अपने अपने प्लेस जो है वो ढूँढ रहे हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ अभी कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो लग जाएगी। निकल गए थे।
ये देखिए कलरफुल वाटर, और पूरा वाटर डांस स्टार्ट हो चुका है। वाह, ये वाटर डांस अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आधे घंटे का शो होता है, 7:30 बजे स्टार्ट होता है, और सेकंड शो जो है वो 8:30 बजे का होता है। तो घूमने फिरने के बाद, सारी चीज़ें को एक्सप्लोर करने के बाद आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ये बड़ा सा फूड कोर्ट एरिया जहाँ पर आप खा पी सकते हो। मैंने मेन्यू वाला वीडियो बनाया था पर वो डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं 7 वंडर्स देखने के लिए। तो ये है कोलोजियम, और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उजाले में आओ ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, है ना। क्योंकि अंधेरे में तो कोई भी चीज़ अच्छे से दिखती नहीं है, प्रॉपर हम एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर नेम और डिटेल्स सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ये है इट्सा, तो सारी चीज़ें तो लोगों को पता ही है कि क्या नाम है 7 वंडर्स के, है ना। तो सबके बोर्ड नहीं दिखा रही हूँ। और अगर आप वंडर्स पार्क आ रहे हो घूमने के लिए तो सितंबर की एंडिंग में आइएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि सितंबर की एंडिंग में आओ, क्योंकि आकर कुछ मतलब ही नहीं है ना यार। यहाँ तक कि टॉय ट्रेन भी बंद है, सारी राइड्स बंद है बारिश की वजह से। हालांकि डेली तो बारिश हो नहीं रही है, एक का दुक्का दिन बारिश हो रही है, फिर भी इन लोगों ने पूरा बंद करके रखा है। आई डोंट नो क्यों, अंडर कंस्ट्रक्शन है इसके लिए, क्या रीज़न है क्या पता, लेकिन राइड्स बंद है। मैं भी दूसरों की वीडियो देख कर ही आई थी कि बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मैंने आपके सामने पूरा प्रॉपर से एक्सप्लोर किया है, सारी चीज़ों को एक एक दिखाया है कि कहाँ पर क्या चीज़ है और क्या नहीं है, पहले से बेहतर है या अब बेहतर है या पहले बेहतर था। मुझे तो ऐसा लगा कि पहले वाला वंडर्स पार्क बहुत ही अच्छा था, और अभी वाला तो कुछ भी मुझे खास नहीं लगा, कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं लगी, बल्कि उल्टा सब कम ही लगा, सब बंद ही लगा। तो अब मैं भी आऊँगी तो 3-4 महीने के बाद ही आऊँगी, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस ओपन हो गया है थोड़ा लोगों को आने जाने के लिए कि आइए और देखिए थोड़ा बहुत, वैसे सब बंद है। जब ये स्टार्ट हुआ था ना तब इन्होंने राइड्स को ओपन रखा था, उसके बाद ही इन्होंने बंद कर लिया, समझे, उसके बाद ये बंद कर दिए पूरी राइड्स को। तो कोशिश कीजिएगा कुछ दिन के बाद ही होने, तो आपका संडे पूरा बेकार जाएगा। हो सके तो आप अपने आसपास वाले गार्डन में चले जाओ, वो बेटर है। अच्छा, अगर फिर भी कोई आना चाहता है तो मैं यहाँ पर, यानी वंडर्स पार्क आने का जो वे है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। बहुत ही आसान है, वंडर्स पार्क से सबसे नियर स्टेशन देखिए नेहरू का है। नेहरू स्टेशन से आप लोग ना बहुत ईजी तरीके से वंडर्स पार्क पहुँच जाओगे। टाइमिंग आपको बता दूँ वंडर्स पार्क का, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक है, उसके बाद 3 बजे से 9 बजे तक है, और मंडे के दिन ना कम्प्लीटली बंद होता है वंडर्स पार्क, और वीकेंड डे पर चालू रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, ठीक है। नेहरू स्टेशन से बाहर आने के बाद आप ये रिक्शा ड्राइवर्स को देख सकते हो जो कि अपने अपने रिक्शा लेकर खड़े होते हैं, शेयरिंग में लेकर जाते हैं, और इस तरह से चिल्लाते रहते हैं, आपको ज़रा भी टेंशन नहीं होगी। सेक्टर 19 में आपको छोड़ देंगे, सिर्फ 20 रुपये में पर पर्सन, 20 रुपीज़ है शेयरिंग में, रिक्शा आपको वंडर्स पार्क लेकर चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मंडे के दिन बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।